अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त रहमान अली। तो आज भी पुर्तगाल में शाम का टाइम है। तो आज यार बड़े अरसे बाद गर्मी यहाँ पुर्तगाल में पड़ी, बिल्कुल पाकिस्तानी वो इंडिया जो सेक होता है ना, मतलब हीट अप वो है। आज मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सब भाइयों की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी। अगर आप यूरोप में या किसी भी कंट्री में पुर्तगाल में आपको ऑनलाइन अकाउंट चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जाके वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया नहीं है। तो आज की उनसे वीडियो है, यह है टैक्सी के हवाले से। तो ये है जी कार टैक्सी, ठीक है जी, इसको चेक कर सकते हैं, TPD लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि टैक्सी वाली गाड़ी है, TPD, ठीक है जी, पुर्तगाल में। तो बिल्कुल चेक करें पीछे से हैशबैग, पीछे से खाते हैं ये बैगेज कैपेसिटी चेक कर सकते हैं इस गाड़ी की। और इंटीरियर आपको दिखाते हैं आगे से, ये चेक करें। सो ये है टैक्सी जो ऊबर पे और बोल्ट पे पुर्तगाल में चलती हैं गाड़ियाँ, ठीक है जी। यह है पिगवर्ट 308। ये अगर आप पुर्तगाल से लेते हैं आपको मिल जाती है तकरीबन 13,000-14,000 यूरो की ये गाड़ी है, ठीक है जी। तो मेरी ID मैंने ऊपर की ओपन करा था, वैसे मैं काम करता था कौन टैक्सी में, तो मैं कह जस्ट फॉर चेक कर सकते हैं कि अब काम है ऊबर में सिर्फ आप भाइयों के लिए, कि आपको दिखा सकूं कि काम है भी सही टैक्सी का पुर्तगाल में या नहीं। तो मैंने यार सिर्फ कोई 2 दिन काम किया है, आपको मैं दिखाता हूँ मेरी प्रोफाइल ताकि आपको भी यकीन हो कि वाकई रियल बंदा बता रहा है। अक्सर भाई क्या आ रहे हैं जनाब, काम नहीं है टैक्सी का, काम ख़त्म हो गया पुर्तगाल में। मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल। सो ये आप लाइव चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। कहाँ गया ये जनाब, ऊबर की ID है, ठीक है। ये आज मैंने सुबह काम किया था कोई 3 घंटे ना, देख इसको हम छोड़ देंगे। तो आई थिंक इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट ऑन करेंगे, मोबाइल डाटा अभी यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। आई थिंक इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये चेक करें। तो ये ID ओपन हो गई है, ये देखें आपका भाई का नाम रहमान अली। ऊपर से जाएंगे अर्निंग्स में, देख मैंने काम कितना किया है, 17 घंटे 16 मिनट मैंने काम किया और 30 ट्रिप मारे, 213 यूरो। अब जाते हैं डिटेल में। सैटरडे वाले दिन काम किए मैंने 129 यूरो का, फ्राइडे मैंने काम किया 27। दरअसल मैं गया था फ्राइडे को इवनिंग में, मैं गया था रात को, तो सैटरडे पूरा काम किया था, तो इसलिए वैसे नहीं फ्राइडे ज़्यादा शो कर रहे हैं, सैटरडे ये ज़्यादा शो कर रहे हैं। तो फ्राइडे के मैं इवनिंग को निकला था तकरीबन यार कोई 11 बजे मैं गया था, और मैंने 11 से काम किया था सुबह 8 बजे तक, तकरीबन 9 घंटे में मैंने कमाए थे 150 यूरो। अभी मैं पहला दिन था, इतनी मुझे चीज़ें पता भी नहीं थी, और 150 यूरो मैंने कमाया फ्राइडे नाइट और सैटरडे मॉर्निंग पूरा। तो जो भाई प्रो हैं जिनको एक्सपीरियंस है टैक्सी काम में, उनके 200-200 यूरो भी उन्होंने कमाए हैं, ठीक है जी। मैंने कम कमाया, मुझे भी पहला मेरा दिन था, एक्सपीरियंस नहीं था इतना। तो काम है टैक्सी का पुर्तगाल में, कोई मसला कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें आप इस तरह की गाड़ी शाड़ी लें 13,000-14,000 यूरो की, तो आप आराम से अपनी कंपनी ओपन करें, आप काम करें। अगर आप 150 भी कमाते हो दिन का, अगर आप सही काम करो 200 कमा सकते हो सही, अगर दोबारा काम करो, ठीक है। जब अगर सपोज अगर आप 150 कमाते हो, 50 यूरो खर्चा निकाल लो, ठीक है। ये गाड़ी डीजल पे है तो तकरीबन 30 यूरो का डीजल निकाल दो, तो और 5-6 यूरो का टूल टैक्स निकाल दो, जो 10 यूरो की रोटी और निकाल दो, अगर खाना पीना बाहर कुछ खाते हो आप, फिर भी 100 यूरो बचता है आपको महीने। कितने हो गए, 3,000 यूरो महीने के। अगर आपको हम काम ज़्यादा करते हो तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट ज़्यादा है। अभी ये पीक सीज़न है, ठीक है। अभी यहाँ पर शाम का टाइम है तकरीबन 6 बज गए, लेकिन गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो काम वैसे चेक करने के लिए गया था, मैं काम ये नहीं करता, जो मेरा रियल जो मेरा है वो मैं बताऊंगा मैं क्या काम करता हूँ, ठीक, कैसे करता हूँ,
अगर वो आप भी करना चाहिए आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं जल्द ही आपको वीडियो बनाऊंगा अब सब भाइयों के लिए जो पुर्तगाल में हैं कि आप घर बैठ के पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। तो लेकिन ये जो सा काम है बिल्कुल सेफ़ है, ऊबर का आराम से कौन से आप करें। इसके लिए आपको सबसे पहले पुर्तगाल का बस आईडी कार्ड होना चाहिए, रेजिडेंस कार्ड, आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है जी। अगर पाकिस्तान का, इंडिया का कहीं का भी आप उसको चेंज कराओ, पुर्तगाल में तो आप उतना पुराना ही आपको लाइसेंस देंगे वो। उसके बाद आपके पास हो ग्रुप दोइश, एक होता है कमर्शियल, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद होती क्लासें, टीवीडी की क्लासें होती हैं, यहाँ पे काफ़ी स्कूल जो क्लासेस देते हैं वो आप क्लासें लें। उसके बाद वो क्लासों की फ़ीस है 200 यूरो, और उसके अलावा जो है आप टीवीडी का लाइसेंस अप्लाई करें। टीवीडी यहाँ पे टैक्सी को कहते हैं, प्राइवेट जो भी टैक्सी है ना, ऊबर के जो ऊबर और बोल्ट पर चलती है उसको टीवीडी कहते हैं यहाँ पे ना पुर्तगाल में। तो आप ये लें, अपनी गाड़ी रजिस्टर करें, कंपनी करें, ओपन करें, तो काम करें आराम से। कौन सी यार काम है पुर्तगाल में, इतना टूरिस्ट आया हुआ, इतना टूरिस्ट अभी भी इस टाइम भी ना, कोई एक घंटे में जो एवरेज है तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक घंटे में 15-15, 20-20 फ्लाइटें लैंड कर रही हैं एयरपोर्ट पर। तो भाई अगर 15 फ्लाइटें भी हैं, एक फ्लाइट में अगर सपोज मैक्सिमम 100 लोग रख लो, 1500 लोग एक घंटे में आ रहा है, 1500, ठीक है। तो 1500 में से यार अगर 300 भी राइड टैक्सी बंदा बुक करे, 300 लोग भी टैक्सी बुक करें, ठीक, फिर काम बहुत ज़्यादा पुर्तगाल में, बंदा करने वाला काम हो, काम बहुत ज़्यादा है। तो बाकी अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सब जो भाई हैं 80% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है, जो जो सब सब्सक्राइब करता है मुझे यहाँ पर शो हो जाता है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सब भाई सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी, और ताकि आप तक इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो पहुँच सकें, ठीक है जी। तो मैं आपको कोई नहीं कहता कि जनाब दूसरा कमेंट करें, मुझको रिप्लाई करो, कमेंट करो भाई, पर रिप्लाई साथ आएगा। मेरी कोशिश होती है यार तो मैं एज सुन एज़ पॉसिबल करूँ रिप्लाई, कभी काम में कभी इधर उधर बंदा चल जाता है, आपको पता है। तो ये थी बाकी आज की वीडियो टैक्सी के लिहाज से, ठीक है जी। तो बाकी मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बाकी कोई भी मुझे क्वेश्चन मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।